हेलो एवरीवन, किचन रेसिपी बाय रेखा में आप सब लोगों का स्वागत है। जब कभी भी ब्रश शुरू होने वाले होते हैं तो लेडीज के मन में विचार आने लगता है कि व्रत में क्या बनाया जाए जो बच्चे और बड़े सभी को पसंद आए। तो आज मैं आपको व्रत के लिए संपूर्ण फलाहारी थाली बनाकर दिखाऊंगी, जिसमें सभी के टेस्ट की डिशेज होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको व्रत की थाली बनाकर दिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये 100 ग्राम पनीर लिया है, 2 टमाटर मीडियम साइज के, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, इसको ग्राइंड करना है। मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ाई है। ये फलाहारी जो बनेगा वो मैं देसी घी पे ही बनाऊंगी, क्योंकि और कोई नहीं। मूंगफली का तेल आप या तो यूज़ करिए या देसी घी, तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। जब तक ये कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक मैं सूखे आलू का इंतजाम कर रही हूँ। ये मैंने सूखे आलू बनाने के लिए 2 आलू लिए हैं और 1 हरी मिर्च बारीक सी काटी है। देखिए मेरा घी गर्म हो गया है। अब इसमें मैं 1/4 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरा होने के बाद मैंने जो टमाटर ग्राइंड किए हैं उसको डाल देना है। थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ। जब तक ये मेरा मसाला हो रहा है तब तक मैं उधर कढ़ाई चढ़ाई है मैंने गैस सूखे आलू के लिए, और ये 2 आलू जो हैं मेरे, ये इसको मैं हाथ से फोड़ूंगी। ये हाथ से टूटे हुए जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, तो आप हाथ से तोड़िएगा। इसी तरीके से ये सूखे आलू के लिए कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। अब ये मैं 1/4 जीरा डाल रही हूँ। जीरा के बाद ये 1 हरी मिर्च डाल रहे हैं। हरी मिर्च आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे भी खाना है। इसके बाद ये सूखे आलू मैंने काट के रखे हैं। अब इसको अच्छे से चलाना है। इसमें आप सेंधा नमक डाल लें। सेंधा नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और थोड़ी सी हरी धनिया, पीसी धनिया भी आप डाल सकते हैं। अगर आप लोग खाते हैं तो डाल सकते हैं। और इधर ये जो मेरा ये पनीर की सब्जी है, इसमें भी आप नमक अकॉर्डिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें अब मेरा ये पक रहा है, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला हम लोग व्रत में खा सकते हैं। आलू को मैंने धीमी कर दिया है। अब इसको क्रिस्पी होने के लिए रख देंगे। इसमें सब कुछ डाल दिया है, धनिया भी डाल दिया है। धीरे धीरे ये क्रिस्पी होंगे। इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल लें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप पकने के समय भी डालिए और बाद में भी डालिए। मसाला भी मेरा बन के अभी तैयार होने वाला है। फलाहारी खीरे का रायता बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 खीरा लिया है, उसको छील लिया है, और इस तरफ से आपको कद्दूकस करना है। देखिए मेरा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच मैं मलाई डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें 1 कप से थोड़ा कम पानी मिक्स करूँगी। ये देखिए, एक खीरा मैंने लिया था उसको कद्दूकस किया है रायते के लिए। अब मैं इसको, ये मैंने 150 ग्राम दही लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए दही मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें खीरा डालेंगे। नमक मैं अभी नहीं डालूंगी, जब सर्व करूंगी, क्योंकि नमक पहले डालने से खट्टा हो जाता है। ये हरी मिर्च मैंने चॉप की हुई है, 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप लोग अपने अकॉर्डिंग लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी जितना चाहिए उतना डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके रख देना है, और इसमें भुना जीरा पाउडर आप डाल देंगे। देखिए सूखे आलू में मेरे
क्रिस्पी बनके तैयार हो गए हैं। इसको मैंने हाथ से तोड़ा था, चाकू से नहीं काटा था। ये आलू मेरे रेडी हो गए हैं। इधर मेरी ये पनीर की सब्जी भी रेडी हो गई है। अब इसमें मैं पनीर डालती हूँ। पनीर मैं कच्चा डाल रही हूँ, आप लोग चाहिए तो तवे पे आप सेक भी सकते हैं। अब इसको एक बार और थोड़ी देर चढ़ा रहना है, 2 मिनट, उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। व्रत थाली के लिए अब मैं मीठा बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 100 ग्राम दही लिया है। इसको अच्छे से मैश करना है और साथ में 2 चम्मच मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें 2 चम्मच शुगर डाल रही हूँ, आप लोग चाहिए तो इसमें जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं। इधर मेरी पनीर की सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। ये मैंने 100 ग्राम दही है, 2 चम्मच मलाई है और 2 चम्मच चीनी है। ये अच्छे से मिक्स हो गई है और इसमें अब मैं ये फ्रूट क्रीम, ये मैंने आधा एप्पल छोटे छोटे पीस किए हैं, आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। बनाना, एक बनाना मैंने किया है। ये अनारदाने हैं, आप लोग कोई भी फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये फ्रूट खीर का ये कुछ, इससे पहले भी मैं आपको ये रेसिपी दिखा चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहिएगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी मिल जाएगी, इसका लिंक मिल जाएगा। ये मेरी खीर बनके तैयार होगी, फ्रूट क्रीम। अब मैं लौकी की सब्जी बनाना चाह रही हूँ। इसको कुछ लोग घिया भी कहते हैं और कुछ लोग लौकी कहते हैं। इसको मैंने धो के इस ऐसे पीस काट लिए हैं। उसके लिए मैंने थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च भी बारीक काटी है, आप लोग चाहिएगा तो लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। अदरक अवॉइड करना चाहिए तो अदरक अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने कुकर चढ़ाया है घिया बनाने के लिए। इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी मेरा हो गया है। इसमें मैं 1/4 चम्मच जीरा, इसमें राई बहुत अच्छी लगती है लेकिन व्रत में राई खाते नहीं है इसलिए मैंने राई यहाँ पर नहीं डाली है। अदरक, हरी मिर्च, ये सब्जी आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे जीरा और हरी मिर्च हो गई है, इसमें मैं लौकी डाल रही हूँ। जितना भी मैं ब्रेड का खाना बता रही हूँ इसमें 2 लोग बड़े आराम से खा सकते हैं। सेंधा नमक डालना होगा इसमें अपने स्वादानुसार। थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल देंगे। स्टार्टिंग में भी थोड़ी सी डाल दो तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा पीसा धनिया, अब इसको धीमी आंच पर रखेंगे। इसमें हल्का सा पानी छूटेगा, ये ऐसे ही पक जाएगी। अभी मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ। ये पराठा बनाने के लिए, पूड़ी या पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कूटू का आटा 100 ग्राम लिया है जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। उसके लिए मैंने ये अरबी ली है। अरबी से मैं इसको मारूंगी। अरबी का टेक्सचर जो है स्टिकी होता है तो ये बहुत ही आसानी से पूड़ियाँ इसकी बन जाती है, किनारी फटती नहीं। आप लोग चाहिएगा तो इसको आलू से भी मार सकते हैं, बट उसके आलू से उतना अच्छा नहीं मरता है। इसमें थोड़ी सी आप डाल के ऐसे अरबी डालिए और इसको आटे को ऐसे मारना है। ये अरबी मैंने 100 ग्राम ली थी और वो बॉयल ली थी। देखिए इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। 100 ग्राम आटे में 100 ग्राम अरबी लग गई और अच्छे से आटा मर गया है। देखिए मेरा आटा बढ़िया से मर के तैयार हो गया है। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट के लिए रख रही हूँ। तब तक उधर लौकी मैं देखती हूँ, मेरी लौकी भी पकने वाली होगी। लौकी में 3 सीटी आई थी, लौकी मेरी बहुत साफ थी। ये देखिए लौकी मेरी बन के तैयार हो गई है। आटा मेरा तैयार है।
अब मैं सबसे पहले पूड़ी बनाने जा रही हूँ और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी। इसमें मैंने देसी घी डाला है। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, अब मैं इसमें पूड़ी डाल रही हूँ। ये देखिए, इसको पलट लीजिए। इसी तरीके से दूसरी पूड़ी भी बना लीजिए। ये देखिए मेरी दो पूड़ी तैयार। अब आपको पराठा बनाकर दिखाती हूँ। तवा मैंने चढ़ा दिया है, उस पर मैंने देसी घी लगा दिया। ये पराठा बेल के इसमें डाला है। ऐसे ही आप पलटते रहिए, देसी घी दोनों तरफ आप लगाइए। ये देखिए, अच्छे से लगा के इसको पलट दीजिए। मीडियम आंच पे आपको सेकने हैं पराठे। ये देखिए रायता, नमक मैंने अभी मिलाया रायते में, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च, सूखे आलू। बहुत ही यमी थाली बनके तैयार हुई है, फलाहारी व्रत की थाली, पनीर की सब्जी फलाहारी। ऊपर से हरी धनिया, लौकी की सब्जी, घिया की सब्जी, ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया। ये देखिए मैंने फ्रूट खीर बनाई है, फ्रूट क्रीम या फ्रूट क्रीम खीर बनाई है। उसके ऊपर थोड़े से अनारदाने डाल दिए हैं। ये देखिए पूरी, पराठा और नींबू, हरी मिर्च, खीरा सलाद में। मेरी कंप्लीट फलाहारी थाली बनके तैयार हो गई। आप लोग इस थाली को जरूर बनाइएगा, फलाहारी थाली को, और बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।